नमस्कार, टारगेट विद आलोक के 8 PM न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक मिश्र। 8 PM न्यूज बुलेटिन में सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नज़र। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने OBC के उपश्रेणीकरण के मुद्दे पर गठित आयोग के कार्यकाल को 6 महीने के लिए बढ़ाया। 31 जनवरी 2021 तक का अतिरिक्त समय। दक्षिणी चीन सागर में आक्रमण गतिविधियों को लेकर आसियान देशों ने दी चीन को चेतावनी। वियतनाम और फिलीपींस पहले भी दर्ज करा चुके हैं अपना विरोध। तो चलिए बड़ी खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के उपश्रेणीकरण के मुद्दे के परीक्षण हेतु गठित आयोग के कार्यकाल विस्तार को मंजूरी दे दी है। सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति जी रोहिणी की अध्यक्षता में गठित आयोग के कार्यकाल को 6 माह के लिए विस्तृत कर दिया गया है। कार्यकाल के विस्तार के कारण के संबंध में आयोग ने कहा कि वर्तमान OBC सूची में आ रहे दोहराव, अस्पष्टताओं, विसंगतियों, भाषाई त्रुटियों को दूर किए जाने की आवश्यकता है, जिससे आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में और समय की आवश्यकता है। कोविड-19 के चलते लॉकडाउन की वजह से भी आयोग का कार्य प्रभावित हुआ, इसलिए भी आयोग को 6 महीने का विस्तार देना जरूरी था। आपको बताते चलें कि मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने OBC आरक्षण की व्यवस्था तो कर दिया, लेकिन OBC के ही अंतर्गत आने वाले अत्यधिक कमजोर वर्ग के लिए कुछ विशेष व्यवस्था नहीं किया गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि OBC आरक्षण का अधिकांश लाभ OBC के ताकतवर जातियों के पास ही सिमट कर रह गया। दरअसल भारतीय सामाजिक व्यवस्था में असमानता के कारण OBC के अंतर्गत आने वाली कुछ जातियां इसी श्रेणी में आने वाली कुछ अन्य जातियों से सामाजिक और आर्थिक आधार पर बेहतर हैं। इसी स्थिति को देखते हुए पिछले कई वर्षों से OBC वर्ग के अंदर श्रेणीकरण की मांग की जा रही है। हालांकि देश में कई राज्य ऐसे भी हैं जहां श्रेणीकरण की व्यवस्था को लागू भी कर दिया गया है, लेकिन OBC आरक्षण से संबंधित केंद्रीय सूची में इस प्रकार के वर्गीकरण की कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। अगर इसका श्रेणीकरण सफलतापूर्वक हो जाता है तो OBC की वर्तमान सूची में शामिल ऐसे समुदाय जिन्हें केंद्र सरकार के पदों पर नियुक्ति और केंद्र सरकार के शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण योजना का उचित लाभ नहीं मिल पाया, उन्हें आयोग के सिफारिश से लाभ मिल जाएगा। गौरतलब है कि इस श्रेणी में ऐसी जातियों और समुदायों को शामिल किया जाएगा जिनको आरक्षण का लाभ होने के बावजूद भी उनका उचित उत्थान नहीं हो पाया है। हाल ही में आसियान देशों द्वारा आयोजित आसियान शिखर सम्मेलन में दक्षिणी चीन सागर में चीन की आक्रामक गतिविधियों को लेकर आसियान देशों द्वारा चीन को चेतावनी दी गई है। वियतनाम और फिलीपींस ने कहा कि चीन कोविड-19 संकट के दौरान दक्षिणी चीन सागर में खतरा पैदा करने वाली किसी भी गतिविधि को बढ़ावा न दे। वियतनाम और फिलीपींस विवादित दक्षिणी चीन सागर में चीन की एकतरफा कार्यवाही द्वारा द्वीपों पर नियंत्रण की कोशिश को लेकर पहले भी अपना विरोध जता चुके हैं। इन दोनों देशों ने अप्रैल के महीने में ही चीन के इस हड़प नीति के खिलाफ विरोध दर्ज कराया था। आपको बताते चलें कि दक्षिणी चीन सागर प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारे से सटा हुआ और एशिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह चीन के दक्षिण में एक सीमांत सागर है जो सिंगापुर से लेकर ताइवान की खाड़ी तक विस्तृत है। इसके आसपास इंडोनेशिया का करिमाता, मलक्का, फार्मोसा जलडमरू मध्य और मलय व सुमात्रा प्रायद्वीप हैं। दक्षिणी चीन सागर का पूर्वी तट वियतनाम और कंबोडिया से सीमा बनाता है। दक्षिणी चीन सागर में विवाद का मुख्य कारण समुद्र पर विभिन्न क्षेत्रों का दावा और समुद्र का क्षेत्रीय सीमांकन है। चीन दक्षिणी चीन सागर के 80% हिस्से को अपना मानता है। दक्षिणी चीन सागर ऐसा समुद्री क्षेत्र है जहां प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक गैस और तेल उपलब्ध हैं। साथ ही मत्स्य व्यापार में शामिल देशों के लिए यह क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी भौगोलिक स्थिति के कारण इसका महत्व बहुत अधिक है, इसलिए चीन इस क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व कायम रखना चाहता है। दक्षिणी चीन सागर को लेकर भारत का मानना है कि इसमें शामिल क्षेत्र के सभी देशों को किसी भी प्रकार की धमकी और बल प्रयोग किए बिना आपसी विवाद को हल करना चाहिए। ऐसा करने से जटिलताएं कम होंगी और शांति व स्थिरता बना रहेगा। साथ ही भारत वियतनाम और फिलीपींस के साथ सैन्य साजो सामान के आयात निर्यात की गतिविधियों को बढ़ा रहा है ताकि चीन के साथ उलझे हुए इन देशों को सैन्य भागीदार के रूप में उभारा जा सके और चीन के प्रभुत्व को कम किया जा सके।
भारत के पास यह अच्छा मौका है पूर्वी एशियाई पड़ोसियों के साथ रिश्ता सुधारने का, जिससे भविष्य में शांति व्यवस्था बनी रहे। और अब अंत में चलते चलते कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं, जिनका सीधा सरोकार आपकी परीक्षाओं से होगा। हाल ही में मध्य प्रदेश के सागर स्थित डॉक्टर हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय के UGC HRDC के सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर और महामहिम राष्ट्रपति के पूर्व OSD यानी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी को गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल ने साल 2020 के लिए गांधी नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। श्री त्रिपाठी को यह पुरस्कार महात्मा गांधी और विश्व शांति पर किए गए उनके महत्वपूर्ण कार्य के लिए प्रदान किया जाएगा। गौरतलब है कि गांधी जी के जन्म के 150वीं वर्षगांठ पर गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल गांधी जी पर किए गए कार्यों को सम्मानित कर रहा है। अभी तक डॉक्टर त्रिपाठी की 30 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। यह पुरस्कार हाउस ऑफ लंदन में 11 से 13 जून 2021 को आयोजित गांधी प्रतिष्ठान नेपाल के एक आयोजन में दिया जाएगा। मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब यानी MCC के इतिहास में पहली बार इंग्लैंड की पूर्व कप्तान क्लेयर कोनोर पहली महिला अध्यक्ष बनने जा रही हैं। कोनोर श्रीलंका के कुमार संगकारा का स्थान लेंगी। इनको 1 अक्टूबर 2021 को अपना पद संभालना है। आपको बताते चलें कि COVID-19 महामारी के चलते संगकारा का कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया था। कोनोर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड में महिला क्रिकेट की प्रबंधक निदेशक हैं। साल 2023 में फीफा महिला विश्व कप की जिम्मेदारी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को संयुक्त रूप से दिया गया। जिनेवा में विश्व फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा की शीर्ष परिषद में 25 जून को हुए मतदान में यह अहम फैसला लिया गया। इस मतदान में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को संयुक्त मेजबानी के दावे को 22 और इनके एकमात्र प्रतिद्वंद्वी कोलंबिया को 13 मत मिले थे। दिलचस्प यह भी रहा कि फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पक्ष में मतदान करने वाले सदस्यों में शामिल थे। यह टूर्नामेंट भी दिलचस्प होगा क्योंकि यह पहला ऐसा विश्व कप होगा जिसे दो देश और दो अलग अलग फीफा परिसंघों के सदस्य मिलकर आयोजित करेंगे। आपको बताते चलें कि ऑस्ट्रेलिया एशियाई फुटबॉल परिसंघ और न्यूजीलैंड ओशियन फुटबॉल परिसंघ का सदस्य है। मेजबान होने के नाते ये दोनों देश स्वतः ही क्वालिफाई हो जाएंगे। गौरतलब है कि फीफा महिला विश्व कप 1991 से खेला जा रहा है। हाल ही में गृह मंत्रालय ने घोषणा किया कि दिल्ली में सीरोलॉजिकल सर्वे किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने यह फैसला राजधानी में बढ़ रहे कोरोना मरीजों के मद्देनजर लिया। सीरोलॉजिकल सर्वे नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी NCDC और दिल्ली सरकार के संयुक्त प्रयास से किया जाएगा। इस लिहाज से बनाई गई टीमों को NCDC प्रशिक्षकों द्वारा आरोग्य सेतु और इतिहास ऐप का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सर्वेक्षण के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी द्वारा विकसित एलिसा आधारित एंटीबॉडी किट का उपयोग किया जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी यानी NIV की एंटीबॉडी किट को COVID-19 कवच एलिसा के नाम से जाना जाता है। 26 जून को भारतीय नौसेना ने एक उन्नत एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम मारीच को शामिल किया। मारीच भारतीय नौसेना के पनडुब्बी विरोधी युद्ध क्षमताओं में वृद्धि करेगा। मारीच को स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी से तैयार किया गया है, जो भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल और उन्नत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के संकल्प को बताता है। इस सिस्टम का डिज़ाइन और विकास स्वदेशी DRDO प्रयोगशालाओं NSTL और NPOL में किया गया। NSTL यानी नॉवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन या DRDO की एक भारतीय विशाखापत्तनम स्थित प्रयोगशाला है, जबकि NPOL यानी नॉवल फिजिकल एंड ओशिनोग्राफिक लेबोरेटरी केरल में स्थित है। यह समुद्री वातावरण और महासागरीय जल के भीतर अध्ययन से संबंधित अनुसंधान एवं विकास के लिए जिम्मेदार है। हाल ही में त्रिपुरा सरकार ने मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना का शुभारंभ किया। कुपोषण और मातृ मृत्यु दर से मुकाबला करने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना के तहत राज्य सरकार गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को मुफ्त पोषण किट उपलब्ध कराएगी। इस मौके पर समाज कल्याण और सामाजिक शिक्षा मंत्री संताना चकमा ने कहा कि इस योजना से राज्य की तकरीबन 40,000 महिलाएँ लाभान्वित होंगी।
फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमको ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।